तो मेरा ये सीखने का मकसद ये था कि कुछ अर्से से मेरी मदर को पेन हो रहा है घुटनों में बहुत ज़्यादा। हमने बहुत इलाज करवाया है, बहुत सी जगहों से डिफरेंट तेल वगैरह और डिफरेंट मेडिसिन भी दिए, पर आराम नहीं आ रहा। पर अभी भी वो मैं जा नहीं पाया हूँ क्योंकि घर किराया हैदराबाद में होता है मेरा। घर इंशाल्लाह मैं जाऊँगा और उनको हेल्प करूँगा और मुझे उम्मीद है कि सही हो जाएगा। दूसरा, कल मुझे नज़ला था थोड़ा सा, आज कल के बाद गायब हो गया, मुझे पता भी नहीं चला कि नज़ला था या नहीं था। और मेरा बैक में पेन रहता है सर, बहुत आराम आया, बेहतर है, 80% मुझे आराम आ गया। और 20% मैं यूँ कहूँगा कि जो सुकून इस हीलिंग के बाद मुझे मिला है तो वो फील नहीं होने देता वो दर्द इतना, वो जो ताजगी जो अभी से कल से मुझे मिली हुई है। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि 100% मेरा दर्द अब खत्म हो चुका है। बहुत सर, कल फ्रेश हवा चलती है सर, बहुत हो रहा है। ये कल मेरे साथ जो फीलिंग आई थी वो ये थी कि जब हो रही थी हीलिंग तो मेरे दोनों हाथों में बिल्कुल सी एक ठंडक सी लहरें मेरे लिटरी तौर पर फील की हैं, और मेरा बॉडी का टेम्परेचर अलग था और मेरे दोनों हाथों का टेम्परेचर जब मैंने टच किया वो टोटली डिफरेंट हो चुका था। कल जो मुझे फील हुआ, मेरे भाई के सर में दर्द था तो मैंने उसे जब हीलिंग दी तो वो तो उसी टाइम ठीक हो गया। और मेरी अम्मी के गुर्दों में भी दर्द होता है रात सोते वक्त, तो मैंने जब उसे हीलिंग दी तो वो भी अभी काफ़ी हो गया। कज़न पे अप्लाई किया इसको, उनकी आँख में एक दाना हो गया था जिसकी वजह से पेन हो रहा था उनको, तो 10 मिनट मैंने हीलिंग दी उनको, तो वो अल्लाह का शुक्र है कि उनके दाना तो है लेकिन उसकी इसकी उसकी वजह से जो तकलीफ हो रही थी उन्हें वो क्योर हो गई। इसके अलावा वालदा थी, काफ़ी अर्से से उनका जॉइंट पेन था तो उनको घुटने में ज़्यादा तकलीफ होती, तो वो हीलिंग दी 10 मिनट मुश्किल से, तो अल्लाह का शुक्र उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल अब चल रहे, चलने में मसला नहीं है। जी मेरा एक दोस्त है, मैं उसको हेल्प जीत दी तो माशाल्लाह से पहले डॉक्टर के पास जाता था तो उनको काफ़ी पेन होता रहता, लेकिन जब रिजल्ट जब मैंने किया रिजल्ट के बाद माशाल्लाह से वो भी क्लियर, काफ़ी दर्द होता था पहले लेकिन जब मैंने किया तो उससे एक हफ्ते से अभी बेहतर है माशाल्लाह से, और कोई मेडिसिन भी नहीं लगा। मैंने वाइफ के लेग में पेन था उस पर मैंने अप्लाई किया तो उनसे पूछा कैसा महसूस हो रहा है, कर लगी इनमें कहना ये पेन जो है वो ख़त्म हो चुका है। उसके अलावा मैं ख़ुद भी भारीपन महसूस करता था और अब सुबह उठा हूँ मैं तो काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम। अदर्स हीलिंग करने का मुझे मौका तो नहीं मिला लेकिन मैंने सेल्फ हीलिंग की थी, यहाँ से जाने के बाद तो टाइम नहीं मिला लेकिन तहज्जुद की नमाज के बाद मैंने जो है हीलिंग करी तो मुझे काफ़ी बेहतरी महसूस हुई। फिर फजर की नमाज के बाद मैंने हीलिंग करी। मेरे साथ जो प्रॉब्लम थी वो असल में मेरे पैर जो थे वो सुन हो जाते थे, जब मैं तलावत करता था तो मैं पालथी मार के बैठता था तो मेरे पैर अमूमन सुन हो जाते थे, तो उसको जो है वो सीधे होने में कम से कम 1-2 मिनट लगता था, तो उसकी मतलब आज जो है मैं मतलब बड़ा कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ, तो आज मुझे जो है ना मतलब वो प्रॉब्लम नहीं हुई जो पहले थी, तो अल्लाह का शुक्र है कि आज मैंने ज़्यादा बेहतर महसूस किया बनिस्बत 2 दिन पहले। अस्सलाम वालेकुम। मैं समदा 124 ऑलरेडी कर चुका हूँ, आज मैं कल भी और आज भी अपनी फैमिली के साथ आया हूँ, तो समदा 3 के हवाले से मैं आप 2 एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। समझा 3 के हवाले से ये था कि मेरे घर में एक बिल्ली थी, बड़ी तंग करती थी आके, है ना, अक्सर सुबह शाम आके बैठ जाती थी, तो मेरी वाइफ ने बोला इसको एनर्जाइज करो ताकि इससे जान छूटे, तो बिल्ली बैठी हुई थी, मैंने इसको एनर्जाइज किया तकरीबन 2-3 बड़ा बिल्ली वैसे भागी डर के जो है ना, वो आज तकरीबन 15 दिन हो गए लौट के नहीं आई घर में आज तक। और ये पिछले जुम्मे की बात है कि छिपली जो वो भी अक्सर आया करती थी हमारे घर में, तो वाइफ ने बोला इसका कुछ इलाज कर दो, तो मैंने उसको एनर्जाइज किया वो कहीं गई नहीं। उसके बाद मैं जुमे की नमाज पढ़ने चला गया, जब वापस लौट कर आया तो वाइफ ने बोला वो तो बैठी हुई है, तो मैंने बोला कहाँ बैठी है, उसने आवाज सुनी फिर ऐसी भागी कि वो भी आज लौट के नहीं आई वापस। मेरा नाम
Watch me on Hack TV in Health, Wealth and Happiness program every morning at 8 a.m. and repeat at 11 p.m. बुध और हफ्ते को रात 1 बजे और बाकी दिनों में रात 11 बजे रिपीट होंगे। कराची, पिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में हमसे राबिता करें। और कुदरती तरीके से अपना इलाज करें जिसकी कोई मुजिर असरात नहीं है। By world most powerful healing energy is Samda and world most successful formula HMN. अल्लाह ताला ने ऐसे जिस्मानी और नफसियाती बीमारियों का इलाज किया और ऐसे मसाइल का हल किया जो दुनिया हैरान है। मेरे तजर्बात, तहकीकात और तहरीरों से भी आप मुस्तफीद हो सकते हैं। डिप्रेशन का जदीद तरीके इलाज, समदा हीलिंग एनर्जी, मावराए उलूम का खुलासा और अमल, शिफाई तवानाई की पोशीदा दुनिया और जील साइंसेस। फाइंड मी ऑन गूगल, यूट्यूब एंड फेसबुक। कॉन्टेक्ट अस एंड विजिट samdahealing.com। समदा हीलिंग एनर्जी ये दुनिया की ताकतवर तरीन शफाई तवानाई है। ये इंसानों के लिए किसी नेहमत से कम नहीं है। स्पेशली वो लोग जो गरीब हैं और बड़े बड़े डॉक्टरों की बारी बारी फीसें नहीं दे सकते, उनके लिए अल्लाह ताला की तरफ से ये एक शफा है, ये एक कुव्वत है, ये एक ताकत है, इसे वो क्योर हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समदा इज़ द मोस्ट पावरफुल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। इट्स नॉट ओनली इन्हेंस द एनर्जी इन आवर बॉडी, इट आल्सो हेल्प्स अस टू गिव मेडिकेशन टू अदर्स। इट हैज़ नो साइड इफेक्ट एंड इट्स यूजफुल फॉर ऑल काइंड ऑफ पीपल्स और एज ऑफ पीपल्स और टाइप ऑफ पेशेंट्स। एवरीबॉडी हैज़ टू कम इन दिस फील्ड। थैंक्स। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुझे पिछले दो दिन से डॉक्टर प्रोफेसर समद मुसाफिर साहब के साथ वक्त गुजारने का मौका मिला और इनकी शख्सियत, सबसे पहले तो ये कहूँगा कि उनकी शख्सियत एक बहुत अजीम और बड़ी ख़ूबसूरत शख्सियत है जो न सिर्फ ये लोगों को इस नए तहकीक जो उन्होंने की है उससे मुतारिफ़ कराते हैं और सिखाते हैं, बल्कि वो लोगों में एक नई रूह डालते हैं जो इंसानियत की, इंसानियत से मोहब्बत करने की तरफ उनको रागब करती है। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी और बहुत अजीम बात है जो आम तौर पे लोगों में देखने में नहीं आती। बहुत सारी तकरीरें लोगों से सुनते हैं मगर इनकी बातों में इतना जज्ब और इतनी मोहब्बत है कि आदमी ख़ुद ब खुद उन बातों को कबूल करने को जी चाहता है। इनकी तहकीक एक नई तहकीक है और ये तहकीक गालिबन दुनिया में पहली तहकीक है जिसमें इंसान हर किस्म की बीमारियों का इलाज पाता है, न सिर्फ जिस्मानी बल्कि जिस्मानी, रूहानी और ज़हनी बीमारियों का इलाज भी है। इसके साथ साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के तरीके भी बताए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो इलाज है जो जो बग़ैर किसी किस्म की कीमत के, बग़ैर किसी किस्म के मुज़िर असरात के और
ऐसा इलाज जो यकीनन बहुत से दूसरे इलाजों से बेहतर है, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और इसके लिए डॉक्टर साहब बड़ी, मैं समझता हूँ, मोहब्बत के साथ मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। न सिर्फ मैं बल्कि जितने साथियों ने इनके साथ दो दिन गुजारे, सभी पूरी तरह से मुतमईन हैं कि जो उन्होंने सिखाया और जिसकी उन्होंने ट्रेनिंग दी, वो एक बहुत कारआमद तरीका कार था, जिससे हम, मेरा ख़्याल है, लोगों की खिदमत भी कर सकते हैं। और ये खिदमत करते आए हैं और वो जज्बा उन्होंने सब लोगों में पैदा करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि सब लोग इस जज्बे से मुतासर होकर वही खिदमत अंजाम देंगे जो डॉक्टर साहब खुद दे रहे हैं। एक बहुत बड़ी अजीम बात है। अल्लाह ताला इनको खुश रखे, हर तरह से इनको कामयाबी अता फरमाए और अपने इस मज़मून जिसमें वो काम कर रहे हैं और तरक्की करके लोगों को इससे मुतारिफ करा सकें, ये बहुत बड़ी बात है। आसिफ इकबाल है, गुजरांवाला से हूँ। थोड़ा मैं रूहानियत से मुंसलिक था। डॉक्टर साहब के मैंने लेक्चर सुने टीवी पे, फिर इनकी बुक स्टडी की और इसमें बहुत अच्छे फवायद देखे, बहुत ही अच्छे। उसकी वजह से मैं गुजरांवाला से पिंडी इसीलिए आया इनकी क्लासेस लेने के लिए। 1-4 किया, HMF किया, माशाल्लाह इसमें जो पावर्स मुझे मिली हैं बहुत बेहतरीन हैं, बहुत अच्छी हैं। पहले से मैं अपने आप को बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ, बहुत इजी फील कर रहा हूँ। नहीं तो पहले तो बिल्कुल टेंशन में था, ये इनकी जो सिखा रहे हैं जेल साइंस, HMF बेहतरीन कोर्सेज हैं, हर किसी को करना चाहिए, घरेलू मामलात में, कारोबारी मामलात में। और ये जो डॉक्टर अब्दुल समाद साहब हैं, ये अल्लाह ने हमारे पाकिस्तान को एक कोहे नूर दिया है, इसी से सब शुआएँ आ रही हैं। और क्या बात है इनकी, अल्लाह इनको साबित कदम रखे, इनकी मदद करे और इनको और बहुत ज़्यादा तरक्की दे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। मैं पहली दफ़ा अशरफ बुक डिपो रावलपिंडी में गया किताबें ख़रीदने के लिए, तो वहाँ पे मैंने देखा समदा हीलिंग एनर्जी। मैंने देखा पहली दफ़ा तो मैंने सोचा कि इसको देखना चाहिए, ये किताब क्या है। तो उसके बाद मैंने जाके तो इंटरनेट से सर्च किया, तो बोला कि ये इंटरनेट से पता चला कि अब्दुल समद साहब को इसके बानी है और वो जो है इसके बारे में कुछ तशवीश वगैरह कर रहे हैं। तो उसके बारे में मैं पढ़ा, उसके बाद मैंने अब्दुल समद साहब की जो है वो क्लास अटेंड की, तो वाकई उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। और यानी जो जैसा किताब के अंदर लिखा हुआ था उसी तरह मुझे उस फ़ायदा हुआ। और मुझे उम्मीद है कि सब लोग इसको अटेंड करेंगे और आपको फ़ायदा होगा। इट्स वंडरफुल मेथड ऑफ हीलिंग। ये नेचर और साइंस से रिलेटेड एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मसाइल को मिनिमाइज करता है, और बहुत सारे जो परेशान लोग हैं इस मौजूदा फ्रस्ट्रेशन के दौर में, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा वे ऑफ फीलिंग है। तो जितने भी लोग मेरे साथ यहाँ पर इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं, उन सबको काफ़ी सारा फ़ायदा पहुँचा है, बशमूल मेरे। और मैं सजेस्ट करूँगा कि जितने भी इस मौजूदा फ्रस्ट्रेशन के दौर के जितने भी मसाइल हैं, वो आप जील साइंसेस के थ्रू उनके ऊपर काबू पा सकते हैं और दूसरे लोगों के भी काम आ सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मैं कल पहली दफ़ा यहाँ क्लास समदा 1 और 2 किया है, उससे मैं काफ़ी सुकून महसूस किया है, इत्मीनान हुआ है। मैंने घर जाकर खुद किया है, कुछ बेहतरी महसूस की है।
और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये 3-4 करने के बाद और भी बेहतर हो।